हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टडी कैफ़े में। तो आज हम लोग करने वाले हैं मैथ्स का सेकंड स्टैंडर्ड पार्ट टू का कम लेट्स मेक इट नंबर। शायद आप लोगों को मैथ्स के चैप्टर्स इतने अच्छे नहीं लग रहे कि आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, या फिर आप लोगों को मैथ्स बहुत अच्छी तरह से आता है कि आप लोग वीडियो देखना नहीं चाहते। लेकिन जो भी है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो और अच्छे से लाइक शेयर और कमेंट करो, ठीक है? तो आज हम लोग करेंगे कम लेट्स मेक अ नंबर। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रामा एंड यश आर प्लेइंग द गेम्स मेकिंग अ नंबर, लेट्स जॉइन देम। अब रामा एंड यश, ये लोग नंबर्स के साथ खेल रहे हैं, तो आ जाओ हम लोग भी इनके नंबर्स के साथ थोड़ा खेलते हैं। सम नंबर आर गिवन सर्कल, ईच चाइल्ड शुड चूज टू डिजिट टू मेक अ टू नंबर्स। यानी जैसे इन्होंने दो नंबर को चूज़ करना है और दो नंबर से दो अलग अलग नंबर्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे बताया ना, चूज़ टू नंबर डिजिट्स एंड मेक इट टू नंबर। टू नंबर इसने, जैसे इस बच्चे ने चूज़ किया 7 और 8। अब 7 और 8 से अपने को, यानी इस बच्ची को दो नंबर्स बनाने हैं। तो देखते हैं इन्होंने कैसे बनाया है। जैसे इसने चूज़ किया टू डिजिट्स 1 और 3। अब 1 और 3 से टू डिजिट बनाना है। जैसे 1 और 3 13, 3 और 1 31। वैसे ही इस सर्कल में से इस बच्ची ने चूज़ किया 7 और 8। 7 और 8, तो अब 7 और 8 से टू नंबर्स कौन कौन से बन सकते हैं आप बता सकते हो? तो देखो 7 और 8, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 78। 8 और 7 87 हो गया ना दो नंबर, राइट? तो उसी तरह से इस बच्चे ने लिया था 7 और 5, 7 और 5 75 और 57। अब इसे भी लेना है टू जुड। अब इसके पास तो नंबर है ही नहीं, तो अब इसको लेना है इस सर्कल में से नंबर। तो अब ये नंबर कौन सा लेगा पता आपको? जैसे 1 और 3 कैसे लिया इन्होंने, ये सर्कल किया हुआ है 1 और 3, 7 और 8। ये सर्कल किया हुआ है 7 और 8 के लिए। अब 7 और 5 ये लिया। अब यहाँ पे एरो दिखा रहा है 8 के लिए, तो 8 किसके साथ पैच है? 3 के साथ। तो यहाँ पर हम इसे नंबर क्या देंगे, 8 और 3। अब इससे हम बनाएंगे दो नंबर्स, जैसे 8 और 3 83, 3 और 8 38। हो गया ना हमारे पास भी दो नंबर। अब उसी तरह से सेम यहाँ पे भी इस बच्चे को देना है, तब इसको दिखा रहा है एरो 2 के पास, तो 2 किससे सर्कल है, 9 से, ठीक है? तो अब हम इसे क्या देंगे, या फिर अगर आपको 9 नहीं देना है तो आप 2 और 4 भी दे सकते हैं। चलो हम लोग 2 और 4 ही दे देते हैं, 2 और 4। तो अब यहाँ पे क्या नंबर बनेगा, 24 और 42। आप चाहो तो 9 और 2 भी दे सकते हो, लेकिन ये सर्कल यहाँ तक है ना, तो हम लोग चाहे ये दोनों दें चाहे ये दोनों दें। अब इसके पास है 9, तो अब हम इसे क्या देंगे, अब ये सर्कल कैसे बना हुआ है, ऐसे, तो हम 9 और 3 दे देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम इसे देंगे 9 और 3, तो यहाँ पे वर्ड क्या बनेगा, 93 और 39। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर है, इसे क्या देंगे हम, 4 और 6 दे दे क्या, नहीं, 4 और 9 देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम दिए 4 और 9, यहाँ पर क्या आएगा, 49 देन 94। इसे क्या देते हैं, 6 और 4, ठीक है, 6 और 4, यहाँ पर दे देते हैं 64, यहाँ पे दे देते हैं 46। हो गया, ये नंबर्स हमारे रेडी। ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, जो कि आपको अगर एग्ज़ाम्स में आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, जिससे कि आपको इस तरह से नंबर रेडी करना है, ठीक है? या फिर फर्स्ट डिजिट का नंबर दे दिया जाएगा आपको, आपको यहाँ पे नीचे आंसर रेडी करना है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कम लेट्स मेक अ नंबर। आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पर है इसके कुछ
अब यहाँ पर दिया है इसका कुछ क्वेश्चन आंसर, तो हम लोग उसे कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है 47, ठीक है, 4 and 7 74। यहाँ पे 4 और 7 टू नंबर्स दिए हैं, यहाँ पे हमने नंबर बना दिया है 47 and 74। ग्रेटर नंबर क्या है? 74। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 47। तो यहाँ पर एग्जाम्पल अपने को दिखा दिया है, अब यहाँ अपने को खुद से करना है। जैसे यहाँ पे 5 and 8 है, तो 5 और 8 से क्या क्या नंबर बन सकता है? 58, 85। अब यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या होगा हमारा? 85। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? 58। ओके, देन 3828, यहाँ पे तीनों का एग्जाम्पल हमें दे दिया है। अब यहाँ पे ग्रेट नंबर लिखना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो अब यहाँ पे सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है? 83। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? कौन सा स्मॉलेस्ट है बताओ? 23। तो यहाँ पर है 23 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमें यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ये दोनों हमें एग्जाम्पल दिया है, ये दोनों हमें खुद से करना है। हमें एग्ज़ाम में इस तरह से कुछ आएगा, ये आपको इतना पूरा ये क्वेश्चन दे देंगे, ये आपको यहाँ पे इस तरह से ग्रेटर एंड स्मॉल एंड नंबर मोड ये आपको इस तरह से बना के लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3 डिजिट दिया है, तो 3 डिजिट से हम क्या क्या बना सकते हैं आप बताओगे मुझे? तो चलो मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे 60, देन 90, 90, 69, 96, ये हो गए 4 डिजिट। अब और यहाँ पे तो 6 है, यहाँ पे तो 4 ही हुआ, तो भी और 2 हमें करना है, और 2 हम क्या कर सकते हैं बताओ? है कोई ऑप्शन आप लोगों के पास? तो आ जाओ मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर हम करेंगे 0 6, यहाँ करेंगे 0 9, हो गया। अब यहाँ पे लिखना है हमें ग्रेटर नंबर, अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 90। तो यहाँ पर हम करेंगे 90। एंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 6। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर, ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूरा हो गया है। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा, बहुत सिंपल चैप्टर है, अगर समझ जाओ तो बहुत ही क्विकली और फटाफट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो और समझ में आ चुका हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ 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 ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय।